मैं डैडी से कह दूंगी ये बात। नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में एंड हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ यू। तो आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं सबसे लोहड़ी है मतलब आज, और हम जा रहे हैं सबसे पहले मार्केट। अभी जा रहे हैं चांदनी चौक, कपड़े वगैरह लेने हैं, शॉपिंग करनी है क्योंकि मैंने कर ली थी, लीशा ने और मम्मी की रह गई थी। तो अब मम्मी ने भी लिया पापा से पैसे के, मैं भी कपड़े लेकर आऊँगी, लीशा ने भी लिए, तब चलते हैं। देखो मैं इंपॉर्टेंट जगहों पे से शॉपिंग करती हूँ, लाइक कमला नगर, ये सस्ते लोग हैं, चांदनी चौक जाते हैं। एक अच्छा बच्चा हूँ जो जल्दी रेडी हो जाता हूँ, ये देखो। मैं हूँ सबसे अच्छा बच्चा, मैं सबसे पहले का रेडी बैठा हूँ। तो हमें बाल बांधने पड़ जाते हैं ना, बाल बांधने पड़ जाते हैं। और मुझे मम्मी का ये वाला स्वेटर पसंद आ गया, मैं ले लूंगी। तो भाई अभी हमें मैकडी में कमला नगर वाले, क्योंकि हम चांदनी चौक गए, इतना घूमे लेकिन सूट नहीं मिला जो हम लेने गए थे, वैसा नहीं था, बाकी सारे थे उसे छोड़ के निकला। अब फिर वहाँ पर हमने कुछ खाया भी नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम यहाँ पे आ गए। मम्मी और लीशा भी ऑर्डर देने गई, यहाँ आ रही हैं, मिला ही नहीं जो लेने गए थे। वो मिल जाएगा, नानी के साथ जाऊँगी कल। अब लीशो यहाँ से कपड़े लेगी फिर हम घर चलेंगे। क्या लेगा? फ्रॉक वाला सूट सर्दियों में। मैं कह रही थी सर्दी के लिए। अब दिमागदार लोगों को घर के कपड़े ले, घर के कपड़े, घर के कपड़े पहन कर चलना है, ठीक है बाबू? वेरी गुड, वेरी गुड। कपड़े आज भी तो न्यू कपड़े पहन रखे बेटे ने, उसकी लोड़ी है ना, इसलिए मैंने न्यू कपड़े रेडी करे, शाम को पहन लिए मैंने, शाम तक ही हो जाएंगे, क्या करने बदलने। ये वाले नहीं, ये कपड़े, ये तो जैकेट तो मैंने वैसे ही पहना दी गई थी पुरानी। मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं, मैं तो अपने कपड़े दान भी करती हूँ कुछ लोगों को। इतनी अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो कुछ भी मतलब एक बार ना मैंने पानी भी नहीं पिया। हनुमान जी का व्रत रख लिया मैंने, नहीं भाई व्रत नहीं रखा, बस खाया ही नहीं, पता नहीं क्यों, मैंने सोचा जाकर खाऊंगी, वहाँ पर इतनी देर हो गई घूमते घूमते, फिर हम वहाँ से गए, फिर मम्मी ने कहा सीधा कमला नगर चल कर ही खाएंगे, ये थक गई जी। मेरा ऑर्डर आ गया है, इन्हें खाना भी स्टार्ट कर दिया, और ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी। भूखे हैं आज लिटरली, तुम लोग नहीं, मैं भूखी हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, रात को भी खाना खा के नहीं सोई थी। मैंने भी एक ही पीस खाया। आप अपने रोल खाओ, बेचारे को हम छोड़ कर जा रहे हैं खाता हुआ। मेरे डैडी के लिए और एक शर्ट ले रहे हैं, ये ज़ारा की है ना, इसलिए मैम दो में नॉर्मल लो 900,000। मेरे भाई कुछ पसंद आता है मुझे, ये वाला अच्छा लग रहा था, पसंद नहीं आएगा हमें लेकर घूमती रहेगी बस, ये ऐसे ही इसे कुछ पसंद नहीं आएगा, ये हमें लेकर ऐसे ही घूमती रहेगी फिर लास्ट एक बार ही और। आजा तेरे बड़े बुजुर्ग कह देंगे तंग कर रहा तूने, मैं डैडी से कह दूंगी ये बात। पता ही क्या था, हमने ना मतलब ना डुगू को बोल दिया था, वो मतलब थक गया था चलते चलते, तो कहता मैं थक गया, चिल्लाने लग गया, तो मैंने कहा डुगू ऐसे मत चिल्ला, इंसल्ट होती है। मैंने कहा मम्मी इसके पास से चलो, ये मेरी इंसल्ट करवा रहा है भाई, फिर रिक्शे में भी नहीं बैठ रहा मेरे, तो तुम्हारी तो इंसल्ट होती है ना मेरे साथ, मैं नहीं बैठ रहा, ये है वो है, फिर बड़ी मुश्किलों से उसको बिठाया। और अब मैं नानी के जा रही हूँ सामान लेने, क्योंकि नानी तो देने आ नहीं रही, नानी कह रहे खुद ही आकर ले जाओ, मुझे देर हो जाएगी, तो अभी मैं जा रही हूँ। क्या सोच रहे हो? अब रखो पैक कर दो ना, पॉपकॉर्न, मूंगफली, चीनी वाली रेवड़ी, गुड़ वाली रेवड़ी। गुड़ वाली तो ये है गजक। अरे भाई वो भी है देखना, ये गुड़ वाली रेवड़ी है।
ये चीनी वाली रेवड़ी है, वो आधी किलो मूंगफली थी। और ये क्या है? और ये पट्टी है मूंगफली की पट्टी। ये फूटी हुई गजक है, फूटी हुई गजक है ये। और ये फुल्ले है, ये चुपकना। और ये फल है, ये फल है तीन। सारा सामान ले है मार्केट से ही है, लेकिन टमाटर लाना भूल गए। क्या क्या लेने गए? हम तो पनीर अनीर लेने गए थे ना, तो टमाटर लाना भूल गए वहाँ पे। अब मम्मी ने कहा नानी के ऐसे ही ले आई हो। हाँ कोई बात नहीं, पूरे एक किलो। और मैंने पता क्या करा, मैंने कहा नानी जितने सारे नहीं चाहिए, थोड़े से चाहिए, मैं दे रही हूँ ना, तू चुप रह। इतने सारे भेज दिए। माँ माँ जो है 18 साल हो गए, मेरी माँ को सामान भेजते भेजती जरा जरा से, चाहे जरा सा भेजती है भाई, भेजती जरूर। और जरा सा ही कहीं कहीं बहुत हो जाता हमारे लिए, तो बहुत हो जाता है। नान जी कह रहे बहुत महंगा हो गया सामान। नहीं बहुत महंगा मिल रहा है। बनाएंगे लोहड़ी, क्या बोलते लोहड़ी? लोहड़ी लोहड़ी नहीं, लोहड़ी 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 लोहड़ी। अब ताई तैयार होकर आएंगे, पार्लर जा रही है तैयार होने अभी। मेरी बेचारी बीमार ताई, बीमारी रहती आधा ज्यादा टाइम, सूज रहा है। अच्छा ब्लॉग में दिखाना उनका हाथ सूज रहा है। होम डिलीवरी आ गई हमारे पिज्जा की, सब कुछ हो गया। एक डुग्गू की वो नहीं बनी क्या? लोरी आई बनेगी, सुबह से इंतजार कर रहा है, कह रहा था जल्दी चलो जल्दी चलो मार्केट में भी। अच्छा मेरे बूजी की लोरी बनानी है, बहुत चिकन क्या? मैं तो पिज्जा खाऊंगी। क्या दिखा रहे हो? दिखाओ क्या दिखा रहे हो। अच्छा ये चढ़ाया है वो, अब जल्दी जल्दी पूजा करो, उसे जलाओ। अब हम डुगू की लोहड़ी बनाने जा रहे हैं। आग वाग सब जला ली, सब आ गए, अब चलते हैं। मतलब वो जला ली, दादू पाल कर ले बेटे को। बच्चे सर पे मारूंगा इसके सर से के माथे। पापा के दो दो बच्चे हो ना। मम्मा मुझे भी
चुन्नी में रंग दे ललारिया किते अंबर तो उतारी लग गया है, सारी दुनिया तो नारी लग गया है, सोना चांदी फैल है उसके आगे, मने मेरी भाभी जान तो प्यारी लग गया है। हमर जानी तरह भोला पर मेरे बिस्तर लेने हो जासे केले री इन आँखों में जो नशा का सुत्ता हो जासे। आग। Thank you.